अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल हैं? सॉरी यार, बकरीद थी तो बकरीद मना रहे थे तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं डाल सके, लेकिन आज आप लोगों के लिए माशाल्लाह से दोबारा से हाजिर है भाई, आप लोगों को रेनबो का शौक कराने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत लोगों ने वीडियो को पसंद किया है और लाइव रेनबो जब देखे उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर इतना खूबसूरत रेनबो है तो बहुत प्यार दिया है, बहुत मैसेजेस आए लोगों के कि यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार आपने इतने ज़बरदस्त इस लेवल पे रेनबो रखे हुए और लोगों को शौक करा रहे हो। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का सपोर्ट जब मिलता है तो दिल चाहता है कि यार और भी इस काम को बढ़ाया जाए और इस तरह लोगों को जो है ना, यानी कि शौक कराया जाए। भाई ये जो बीच में इस वक्त पेयर बैठा हुआ है, एक बहुत बड़े शौकीन हैं, नाम तो मैं उनका नहीं बता रहा, लेकिन माशाल्लाह से उन्होंने ये बीच वाला पेयर लिया है। और अपने दोस्तों को मैं बता दूँ, जो बीच वाला पेयर लिया है उन्होंने, वो ठीक ठाक पैसों में लिया है। तो भाई ये होता है शौक, सही है ना? पैसे तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो मैं पैसे बताता हूँ उतने में ही लिया है तकरीबन। तो भाई जब शौक करता है बंदा तो फिर वो पैसे नहीं देखता, और ऐसी चीज़ें क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है इस वक्त। इतनी डार्क क्वालिटी का वॉयलेट, इतनी अच्छी क्वालिटी के क्लियर विंग, इतनी अच्छी क्वालिटी के फेसेस, ये अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते। माजी में हल्की ब्लैक मार्किंग होने के बावजूद भी वो क्लियर विंग है, मतलब ये ऐसा इम्तिजाज है, लेकिन उसका जो डार्कनेस है माजी की वॉयलेट, माजी ये दूसरी आ गई है, अभी मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसकी माजी वापस बैठ जाए। नर तो अभी बीच में बैठा, माजी ऊपर चिपक गई है, ये माजी मार रही है ना जो, यही है वो माजी। अभी यार वापस आ जा भाई, वापस आ जा घर, आ जा वापस। तो भाइयों आप लोगों को दिखाना था कि यार देखो, जब शौक करता है ना बंदा तो फिर वो पैसे नहीं देखता, और ये ऐसी चीज़ है कि यार 10-15 हज़ार बंदे के वैसे ही निकल जाता है आजकल। तो बाहर जाओ ज़रा एक दफ़ा खाना खाने तो 10-15 हज़ार तो ऐसे ही बंदे के खर्च हो जाते हैं। तो भाइयों ये है सारी बात जिसको शौक करना हो। अच्छा अब माजी जो जो आके बैठी है ना, भी जामनी वाली बीच में, मतलब बीच में तो नहीं कहेंगे, दो नर हैं फिर दो मादी हैं, दो मादियों में से एक आसमानी है, डबल फैक्टर आसमानी, और एक डबल फैक्टर वॉयलेट है। जो डबल फैक्टर वॉयलेट है वो फीमेल ले रहा है वो बंदा, और ऐसी फीमेल इतने डार्क क्वालिटी में, इतने डार्क कलर में, मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है। बाकी अगर किसी के पास हो तो भाई अल्लाह करे कि हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोगों के पास ऐसी चीज़ें हों और वो इसको बढ़ाएं, क्योंकि नहीं है भाई पूरे पाकिस्तान में इस लेवल के रेनबो नहीं है। टर्की से कोई इंपोर्ट कर ले तो एक अलग बात है, ठीक है ना? काफ़ी लोगों ने हमें भी बोला है कि हमने टर्की से इंपोर्ट किया, लेकिन ये राज है, वो राज ही रहेगा कि हम टर्की गए तो थे, लेकिन हम वहाँ से क्या लाए क्या नहीं लाए ये राज ही रहेगा, और वो राज कभी शायद खोल भी दें हम फ्यूचर में, लेकिन अभी तो हम नहीं खोलेंगे। तो भाइयों ये बस आप लोगों को बताना था कि एक भाई है हमारे शौकीन, उन्होंने ये पेयर पसंद किया जो नर बैठा हुआ डंडी पे, ये और तीसरे नंबर पे जो मादी बैठी हुई है ये, और भाई का शौक आप अंदाज़ा कर सकते हो कि भाई ने जामनी ही निकाला है, क्योंकि जामनी के शौकीन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और जामनी कलर को पसंद किया जाता है। तो इस वजह से भाई ने जामनी का पेयर निकाला है और टॉप क्लास का निकाला है, और पैसे भी फिर उसके अच्छे वाले दिए। भाई ने वैसे तो पैसे वो वाले नहीं दिए जो मैं चाह रहा था, मैं तो 30,000 रुपये मांग रहा था इस पेयर के, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। जहाँ पे जब हम शौक देखते हैं बंदे का तो फिर हम पैसा नहीं देखते, फिर हम ये देखते हैं कि यार शौक कर रहा है ना बंदा तो फिर शौक कराओ इसको, छोड़ो पैसा तो हम बाद में भी कमा लेंगे। और भाई ने ये बोला है कि इसके बच्चे आप मुझसे ले लेना, और जिस रेट में बोला है वो बड़े कम रेट थे, तो मैंने कहा चलो यार जब बंदा इतना शौक इतना शौकीन है और पैसे भी सही दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं बच्चे भी कम रेट में दूंगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं यार शौक कराते हैं भाई को। तो भाई अल्लाह ताला आपको नसीब करे भाई, आपका शौक सलामत रखे और आपको इसमें से खिलाए पिलाए, और आपको इससे जो बच्चे आए हैं उसमें बरकत हो, और हम कोशिश करेंगे कि भाई आपसे वो बच्चे भी लें और हम भी शौक करें दोबारा। इस ये टॉप क्वालिटी का पेयर है, डार्कनेस में मादा डार्क क्वालिटी की है बहुत कलर में, नर जो है वो क्लियर विंग बहुत टॉप क्वालिटी का है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर है ना वो बहुत आला बन रहा है, और इसके बच्चे अल्लाह करे कि वॉयलेट ही आए सारे तो फिर है मज़ा। तो चले गाइस, आप लोगों को उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये भी कुछ पीसेज हैं, इधर भी एक जामनी का नर बड़ा हुआ है बड़ा टाइट, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो, जिसको अगर ये भी चाहिए तो भाई ये सब अवेलेबल है। अभी एक पेयर ही
शौकीन को गया है, बाकी सब पेयर अभी अवेलेबल हैं। और क्वालिटी आपके सामने क्लियर विंग की, ऐसे क्लियर विंग ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई आजकल के दौर में। हम तो पालते हैं, हमें पता है इस चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ भाई आज आपको फिर ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नंबर है 0347243031। जिस भाई को रेम्बो का शौक करना हो मुझसे रब्ता कर ले, क्वालिटी मिलेगी, पैसे का पैसे। जिसको भाई बिजनेस करना है या पैसे नहीं है तो फिर हमसे रब्ता ना करो। हाँ ये है कि सस्ते पेयर पड़े हैं, वो ये वाले नहीं है, फिर वो आपको हम अरेंज कर देंगे। सस्ते पेयर भी मिल जाते हैं 3-4 हज़ार वाले, वो भी आपको हम अरेंज कर देंगे, इसका मसला नहीं है। अगर आपको सस्ते में शौक करना है तो भी हम करा देंगे, लेकिन ये अच्छी टॉप क्वालिटी का शौक करना हो तो भाई पैसे चाहिए, ठीक है ना। आप बोलो यार ये चीज़ दे दो 2-3 हज़ार में, तो ये नहीं मिल सकती, क्योंकि इसमें हमारे भाई बहुत पैसे लगे हुए हैं। और आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख रुपये का पेयर पड़ रहा है इम्पोर्ट करने से। बगैर इम्पोर्ट किए हुए हमारे पास से मिल रहा है तो आपको सस्ता मिल रहा है, समझो 15-20 हज़ार तक का मिल रहा है। लेकिन जब आप इम्पोर्ट करोगे तो आपको यही पेयर लाख का मिलेगा टर्की से, चाहो तो आप मालूम कर लो भाई। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ भाई आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग शॉप करते रहो रेम्बो का इसी तरह। ये मैंने कुछ कि मादी जमीन पे बैठ जाए और उसका व्यू आ जाए। हाँ भाई ये व्यू आ गया मादी का, ये आ गई ऊपर मादी, ये आ गई ऊपर, ये है भाई मादी। हल्की हल्की ब्लैक मार्किंग है मादी पे, लेकिन इतनी डोमिनेंट नहीं है कि वो बीजी के लाए, बीजी वाला नर उसके सामने आप देख ही सकते हो बैठा हुआ है। ये आ गया बीजी का नर ऊपर चढ़ के ना, और मादी उसी के साथ बैठी हुई है, तो सही है मादी क्लियर विंग के नर है बहुत टॉप क्वालिटी का। तो जब उससे लगेगी तो फिर बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, सही है ना भाई। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दोगे, सही है। और चैनल को यार सपोर्ट करो, आप लोगों का चैनल सपोर्ट होगा तो फिर हम लोगों को मज़ा आएगा, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। और जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर शौक कैसे करेंगे भाई, शौक कैसे करेंगे हम। चले गाइस ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखना। अमानुल्लाह, शुभ बख़ैर।